अच्छा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज की वीडियो एक छोटे से टाइटल पे होने वाली है। बेसिकली बैठे बैठे एक माइंड में टाइटल आया तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। और आप भी उस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें, शायद ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो वो टाइटल था वन डे आर डे वन, इट्स योर डिसीजन। मतलब टाइटल देख के कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा कि इस बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। सो डिसाइड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और डिसाइड करके जरूर कमेंट बॉक्स में डालें कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है अबाउट द वन डे और डे वन। कुछ ऐसा हो गया है कि ये स्टेटमेंट मतलब सब स्टूडेंट्स मारते हैं, मैम आज तबीयत तो बहुत खराब है, कल से चालू करेंगे पढ़ाई पक्का। मैम घर पे बहुत शोर है, घर पे बहुत लोग आए हुए हैं, थोड़ी सी सिचुएशन अच्छी हो जाए पक्का 100% देंगे मैम पक्का। मैम बहुत नेगेटिविटी आई हुई है, एक बार बस ये कोरोना चले जाए, ऑनलाइन क्लासेस का पंगा खत्म हो जाए, फिर देखना आप हम कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओ मैम ठंड बहुत है, एक बार बस ठंड चली जाए उसके बाद तो बस पढ़ना ही पढ़ना है। हम 100% देंगे, जिस स्टेटमेंट से 99% जनता बर्बाद हो गई है। तो आज का सेशन उन्हीं लोगों के लिए है। जितने भी पॉपुलर और रिच लोग देखे हैं ना, वो सब के सब वन पे बिलीव करते हैं। नाउ डिसाइड योरसेल्फ, आपने किस पे बिलीव करना है, डे वन पे और वन डे पर। वाव मोमो, पूरे एनसीआर का फेवरेट मोमो, वाव मोमो। कहीं चले जाओ पूरे एनसीआर में, वाव मोमो की फूड चेन हर जगह है। सिर्फ एक 21 ईयर ओल्ड बॉय ने, जिसने डे वन पर बिलीव किया, एक छोटे से ठेले से अपनी फूड चेन बना डाली पूरे के पूरे एनसीआर में। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, 21 करोड़ का टर्नओवर है उस पर्सन का आज के टाइम पर। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइन में खड़े होके वेट कर रहे हैं फॉर द वन डे, अपना टाइम आएगा भाई। नाउ डिसाइड कि आपने क्या करना है डे वन और वन डे। जो डे वन कर रहे हैं उनके साथ वो क्या क्या चीजें ऐसी करती है जिनसे उनका माइंड सेट हो जाता है, तो अभी हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज नो एक्सक्यूजेस। भाई साहब दुनिया भर के एक्सक्यूजेस है हमारे पास, हम गिनती भी नहीं कर सकते। कल क्या हुआ, मेरे पास एक जस्ट ऐसे ही फोन आया मेरे किसी स्टूडेंट का, तो बेसिकली उस बंदे ने मुझे क्या बोला, मैम मन ही नहीं लग रहा है, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता हूँ, इतना सिलेबस रहता है पता ही नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ। इतना पढ़ता हूँ फिर भी नंबर नहीं आते, फिर भी वही सेम नंबर, तो मन करता है इसे अच्छा मत ही पढ़ो। और फिर पुअर मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ घर में चलता रहता है। मतलब मैम इतना है कि बिल्कुल मन कर ही नहीं रहा है पढ़ने का। मतलब उस बंदे ने मुझे इतने इतने सारे एक्सक्यूजेस बता दिए कि मैंने बोला ओह माय गॉड। हमारी तरह विराट कोहली भी सोचने लग जाए तो वो भी यही सोचे, कोरोना है, मैचेस तो हो नहीं रहे हैं, आराम किया जाए, मोमो स्प्रिंग रोल खाए जाए, तो हो नहीं रहे, डेली प्रैक्टिस की तो कोई नीड है नहीं, तो वो भी आराम से बैठे, आराम से घर में खेले, आराम से घर में रहे, मूवीज देखे, वेब सीरीज देखे, तो मतलब वो भी भूल जाए क्रिकेट को। नहीं, कभी भी नहीं, बिकॉज वो बिलीव करता है डे वन में। इफ समथिंग इज इम्पॉर्टेंट यू विल फाइंड अ वे, इफ इट्स नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। यस, ये बिल्कुल सच बात है। मेरे पास ही मेरा एक फ्रेंड का फोन आया और उसने मुझे बोला कि यार मेरे साथ घूमने चल दिल्ली, तो मैंने बोला मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसके साथ घूमना,
मैंने यार 20 एक्सक्यूज मार दी है, लाइक आज मेरे घर पे बहुत काम है, आज मम्मा के साथ मुझे बाहर जाना है, यार बहुत ठंड है अभी नहीं चलते हैं, यार अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, दिल्ली में तो बहुत सारा है, मतलब गिनती नहीं है, इतने एक्सक्यूज मार दिए। पर उसी टाइम मुझे उसी के किसी फ्रेंड का फोन आया और उसने बोला कि नहीं आपके उस फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब मुझे 1 सेकंड लगेगा, मैंने की उठानी और फटाफट से वहां पहुंच जाना है। तो सेम थिंग फॉर यू, अगर आपको लगता है लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप भी वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके पास कोई फचेड़ा नहीं है और आप किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं मानते। अभी एक बार लड़ाई हो जाए, देखो कैसे लग जाते हैं, हर कोशिश लगा देते हैं, किसी भी तरह बस हम दोनों साथ होता है, हम दोनों वापस से मिल जाए। पार्टी का प्लान किया है, न्यू ईयर पार्टी है, पापा से किस तरह से मानना है, पापा को किस तरह से मनवाना है, हर कोशिश कर देंगे, पूरी रात किस तरह से उनको जाग के उनकी कैसी कुछ करना है सब करेंगे, सब कुछ। आप कुछ अच्छा बनवा लो, सब कर सकते हो आप लोग, तो उसी तरह जिस तरह ये सब कर सकते हो उसी तरह आप पढ़ भी बहुत अच्छा सकते हो। तो जस्ट आपने Day 1 पर बिलीव करना है और आज से ही शुरू हो जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने आप लोगों को बोला Day 1 पे बिलीव करो तो आज आप मोटिवेट हो गए, आज ही कर देंगे सब कुछ और कल वैसे के वैसे खच्चर के खच्चर, ऐसे नहीं रहना है भाई। जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ, Day 1 पर बिलीव करो, सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी। फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। थैंक यू।